अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। So beautiful, I have a surprise for you. Surprise? कहाँ है surprise? यहीं कहीं होगा। लेकिन कहाँ? कहीं तो होगा। माना कि हमें थोड़ी देर हो गई आने में, पर कसर नहीं छोड़ी हमने कभी दोस्ती निभाने में। कहाँ हो सकता हूँ? अरे शूटिंग में बिजी था यार। एक सेट से दूसरे सेट, एक देश से दूसरे देश। ये तो अच्छा हुआ कि अनिरुद्ध ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी शादी है, वरना मैं तो मिस कर देता। वो एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट। लिसन, जो बीत चुका है उस गुजरे हुए कल के बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो अच्छा हुआ कि अनिरुद्ध ने मुझे हमारी कॉलेज के फोटोग्राफ्स दिखा दी। उसे देखते ही मुझे पता चल गया कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। बाय द वे, बहुत खूबसूरत दिख रही हो तुम। थैंक्स। यू वेलकम। मुस्कान, इतने अच्छे सरप्राइज के बाद तुम्हें मेरी कम से कम 200-300 गलतियों को माफ करना होगा शादी के बाद। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। आज मुझे याद आ गया सब कुछ। हमारी बातें, हमारी मुलाकातें, हमारा प्यार, वो मंदिर, सब कुछ। मुझे कुछ याद नहीं है रो, क्योंकि ये सब हम दोनों के बीच कभी हुआ ही नहीं। यही सही वक्त है मुस्कान, तुम्हें आज मुझसे बात करनी होगी। मुझे जवाब चाहिए मुस्कान, क्यों मुझसे प्यार नहीं करती तुम? ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच, क्यों मुझसे प्यार नहीं करती तुम? क्योंकि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी। नहीं मानता मैं इस एंगेजमेंट को। मेरी सारी कई बातें झूठी है मुस्कान। ठीक है मैं झूठा हूं, मेरी बातें भी झूठी मुस्कान। Everybody, if you don't mind, अब ये संगीत को टॉक शो बनाने का इरादा है। देखो शायरी होगी, बातें होगी, अब संगीत का फंक्शन शुरू करें। हाँ बातों से ही कर रहा भाई, मैं इतनी दूर से मुस्कान का संगीत अटेंड करने के लिए आया हूँ। ऋषि लगाना कुछ अच्छा संगीत। गुड आइडिया। भाई साहब नहीं आए? यार ऑफ कोर्स कर सकते हो, गुड आंसर था। रोहन, रोहन ये क्या किया तुमने? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें मुस्कान के पास जाना है ना? रोहन जाओ अपनी मुस्कान के पास।
उसे वापस ले। मैंने तुम्हें रोका था ना, और अब मैं ही तुम्हें मुस्कान के पास जाने के लिए कह। मुझे बात समझ में आ गई, मुस्कान का तुम्हारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। जाओ और उसे वापस ले, रोक दो उसका संगीत। तुम दोनों के गृह प्रवेश की तैयारी करते। भाभी ये क्या किया आपने? मैंने बिल्कुल ठीक किया अनुष्का, बल्कि मैंने पहले जो कहा था वो सब गलत था। रोहन और मुस्कान का एक दूसरे की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे अब समझ में आई भाभी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था ना? डॉक्टर ने जो भी कहा था सब गलत था अनुष्का। प्यार में बहुत ताकत होती है, प्यार कभी किसी की जिंदगी लेता नहीं, बल्कि दो प्यार करने वालों को जिंदगी देता है। अनुष्का तुम भी रोहन के साथ जाओ, उसकी हालत ठीक नहीं है। तुम उसके साथ जाओगी तो उसे बहुत सपोर्ट मिलेगा। प्लीज अनुष्का मेरी खातिर प्लीज जाओ, जाओ अनुष्का। तुम यही रुकना, अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। लेकिन रोहन अंदर इतनी सिक्योरिटी है, तुम कैसे जाओगे? मुझे बता अंदर कैसे जाना। तो कोई तुम्हारी आने की हिम्मत कैसे हुई? मना किया था ना मैंने, मेरी बेटी से दूर रहना। आप ये सब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कौन हो तुम? पति हो उसका। बकवास कर रही तो। बकवास नहीं कर रहा हूं, अब चौकी मत। सब कुछ याद आ गया मुझे, याद आ गया कि मुस्कान मेरी बीवी है, फेरे ले चुका हूं उसके साथ में, और उसके पति के होते हुए आप उसकी दूसरी शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जाकर अपना इलाज करवाओ, क्योंकि मुस्कान किसी की भी पत्नी नहीं। तुमने खुद साइन किए। इससे झूठ बोल रही? मैं झूठ बोल रही हूँ? सिग्नेचर भी झूठ बोल रहे? ये तुम्हारे सिग्नेचर है तुम्हें, 2 साल पहले तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। उस दिन तुमसे मिलने गई थी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हारी वजह से मुस्कान के चेहरे से मुस्कान गायब हुई। रोहन तुमने उसे दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। आज वो अनिरुद्ध के साथ बहुत खुश है, इसे तुम उसकी जिंदगी से दूर चले जाओ। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी की याददाश्त कभी वापस नहीं आए, ताकि वो तुम जैसे इंसान से हमेशा दूर रहे। अब यहाँ छोड़ता हूँ, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई, अनजाने में उसको तकलीफ दी है, पर मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं मुस्कान को हमेशा खुश रखूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, आपको ये सब रोकना होगा। प्लीज मैं मुस्कान के बगैर इतना नहीं रह पाऊंगा। मर जाओ उसके बगैर, चल जाओ यहाँ से। डिवोर्स मैंने कभी साइन किया नहीं। ये डिवोर्स का मातम अपनी घर जाके मनाना।
जाकर अपनी भाभी से पूछो कि इस पर साइन किसने किया, मुझसे नहीं। फिलहाल तो तुम यहां से चले जाओ। गेट आउट। मैं मुस्कान को लिए बगैर यहां से जाने नहीं वाला। आप चाहे जो कर ले। तुम ऐसे नहीं मानते। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मैं मेरी बेटी की खुशी के लिए तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। मॉम, सब बाहर वेट कर रहे हैं आपका। क्या कर रही हैं आप? ऋषि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। हम सब पूछ रहे हैं आपके बारे में। ऋषि तुम जाओ यहाँ से, मैं आ रही थोड़ी देर में। अच्छा जल्दी कीजिए। Get out! रोहन से जुड़ा मेरा रिश्ता तब तक खतरे में है जब तक मुस्कान की जिंदगी है, और आज अपने रिश्ते पर मंडराते इस खतरे को मैं जड़ से मिटा दूंगी। मुस्कान दुग्गल, मेरे रिश्ते की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करनी ही पड़ेगी तुम्हें। रोहन, रोहन ने गन तो नहीं ले रही, कुछ भी कर सकता है।